Very good morning students, how are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher and today I am going to teach you maths of class 1. And today we continue chapter 7, subtraction of numbers. And today we do exercise 7.4. Now see in the book, this is your maths book, maths of class 1. Now open chapter number 7. See, this is the chapter number 7, subtraction of numbers. Open exercise 7.4. This is the exercise 7.4 and page number 60. ठीक है, यहाँ पर क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पे ये हमें सम्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है. देखो ये माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे. तो ये हम बुक में ही करेंगे, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ. बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको सभी क्वेश्चंस अपने आप इसी तरह से करने हैं. तो देखिए हम किस तरह से करेंगे बच्चों. फर्स्ट है ये वंस लिखा हुआ है, ओ का मतलब होता है वंस. जो फाइव है ये वंस प्लेस की डिजिट है, और जो सेवन है वो टेंस प्लेस की डिजिट है. तो ये वंस और ये टेंस, तो दोनों मिलकर हो गए 75. माइनस करना है 63. देखिए पहले हम 5 में से 3 माइनस करेंगे. तो देखिए मैं आपको लाइन्स ड्रॉ करके बताती हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा. ये 5 है, तो सबसे पहले हम 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे बच्चों. देखो ये मैंने एक रफ पेज लिया हुआ है, इसमें हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे. तो पहले हम 5 लाइन्स ड्रॉ करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. अब नीचे 3 है, तो 3 लाइन्स हम कट कर देंगे. 1, 2, 3 लाइन कट कर दी. अब ये कितनी लाइन्स बची, 1, 2. तो हम यहाँ पर 3 के नीचे 2 लिखेंगे. इसी तरह से अब देखो ये क्या है ऊपर 7. पहले हम 7 लाइन ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब 7 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 6. तो 6 लाइन्स हम कट कर देंगे. तो हम लाइन्स कट करते हैं. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब कितनी लाइन्स बची, 1. तो हम यहाँ पर 6 के नीचे यहाँ 1 लिखेंगे. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. इसी तरह से हमें सभी करने हैं. और देखिए सेकंड क्वेश्चन, 6 क्या होता है बच्चों, वंस, और 8 है टेंस. तो सबसे पहले हम वंस से शुरू करते हैं. जो लास्ट डिजिट है 6 में से 2, हमें ये माइनस का साइन है, यानी माइनस करना है. माइनस का मतलब समझ लीजिए कि लाइन्स हमें कट करनी है. तो पहले हम 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. देखिए यहाँ पर 6 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब नीचे क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो इसमें से हम 2 लाइन्स कट कर देते हैं. 1, 2. अब ये कितनी लाइन्स बची, इनको काउंट करेंगे हम. 1, 2, 3, 4. तो 2 के नीचे यहाँ पर हम 4 लिखेंगे. इसी तरह से अब देखो 8 में से हम 6 के बाद हम पीछे की तरफ चलेंगे. 8 में से हमें 4 लाइन्स कट करनी है, माइनस है यानी कट करनी है. तो पहले हम 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. देखिए 8 लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब 8 के नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4. तो 4 लाइन्स हम इसमें से कट कर देंगे. तो चलिए हम कट करते हैं 4 लाइन्स. 1, 2, 3, 4. अब कितनी लाइन्स बची बच्चों, काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4. तो 4 के नीचे हम यहाँ 4 लिखेंगे.
तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, माइनस। तो आंसर क्या आया, 44। अब इसे देखिए, थर्ड क्वेश्चन। पहले हम नाइन लाइंस करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो नाइन लाइंस बनाते हैं बच्चों, चलो देखिए। 1, आपको दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। हमने लाइन नाइन लाइंस ड्रॉ कर दी और नीचे क्या है, 2। तो 2 लाइंस हम इसमें से कट करेंगे, 1, 2। आप कितनी लाइंस बची हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम यहाँ पर 2 के नीचे क्या लिखेंगे, 7। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो, 6 में से हमें माइनस करना है 6, तो 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ पे करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 नीचे भी 6 है तो कट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सारी लाइन कट गई, कितनी बची, कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे 0। तो बच्चों, आप हमेशा ये याद रखेंगे कि जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है, अगर वही नंबर नीचे लिखा हुआ है और हमें माइनस करना है तो हम यहाँ पर 0 ही लिखेंगे, क्योंकि सेम नंबर है तो लाइन सारी कट जाएंगी तो 0 बचेगा। अब देखिए 4 वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है, 2। तो पहले हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2। अब नीचे क्या है, 1। तो 1 लाइन हम इसमें से कट कर देते हैं, कितनी लाइन बची, 1। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसी तरह से अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ऊपर है 8, तो हम 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और 8 के नीचे क्या है, 6। उनको इसके नीचे वाला नंबर देखना है तो 6 लाइंस कट करेंगे। चलो कट करते हैं जल्दी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कट गए। अब कितनी लाइंस बची, 1, 2। तो 6 के नीचे आप 2 लिखेंगे, तो आंसर आ गया 21। तो अब तो आपको माइनस करना आ गया होगा। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने ये 1, 2, 4 आपको करके दिखाए हैं, इसी तरह आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7, 8, ये आप अपने आप इनको सबट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।